हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन जो है उसका जो सामान्य अर्थ अगर हम कहें तो क्या होता है कि श्रव्य दृश्य साधन वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से और मतलब अच्छे ढंग से कराने में जो सहायक होते हैं वही जो होते हैं क्या कहलाते हैं, श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। ये श्रव्य दृश्य साधन वो साधन होते हैं जो शिक्षण सामग्री, जिन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है, जो एक अध्यापक के लिए क्या होती है, अत्यंत ही आवश्यक होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण कार्य की जो शिक्षण की जो विषय वस्तु है वो जो उसकी जटिलता को क्या कर पाता है, सरल बना पाता है और विषय वस्तु के रूप को सरलता से बच्चों तक पहुंचा पाता है। तो उन सब के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब अपनी विषय वस्तु की जटिलता को सरल बनाया जाता है जिन साधनों के माध्यम से, वही श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधन के लिए जो एक परिभाषा है वो है, बर्तन के अनुसार श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं या प्रतिमाएं हैं जो अधिगम को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करती है और उसे मजबूत करती है। यानी कि क्या है, बर्तन ने क्या कहा है कि अधिगम यानी कि सीखने के लिए बालक जो जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है हमारी, जो उसके अंदर का चित्र, मॉडल, रेखा चित्र, मानचित्र और लिखकर भी अगर आप क्या है शाम पट पर अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हो, तो उन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, अधिगम को प्रभावी किया जाता है, यानी सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी और अच्छा बनाया जाता है। और चित्र वगैरह इधर इसको दिखाकर आप विषय वस्तु को क्या करते हो, सरल बनाते हो और उससे पढ़ाते हो, तो बच्चे क्या है, चित्र वगैरह उनको देखकर विषय वस्तु को जानने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं या क्या होता है, उत्प्रेरित होते हैं, मतलब और अधिक से अधिक उस विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इसी से क्या हो पाता है, हमारा जो शिक्षण है वो कैसा मजबूत हो पाता है। तो शिक्षण को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए ही क्या किया जाता है, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात होती है श्रव्य दृश्य साधन के प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं श्रव्य दृश्य साधन। तो श्रव्य दृश्य साधन जो है उनके जो प्रकार है वो तीन होता है। पहला श्रव्य साधन हो गया यानी कि सुनने, जिनको केवल हम सुन सकते हैं। दृश्य साधन जो दिखाकर अपनी विषय वस्तु को जिसमें प्रभावी बनाया जाता है। फिर आ जाता है दृश्य और श्रव्य साधन यानी जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के साधन होते हैं। ठीक है, श्रव्य साधन, श्रव्य साधन किसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि मतलब इस प्रकार के साधन जिसके अंतर्गत सुनकर मतलब सुनाकर अपने जो शिक्षण की जो विषय सामग्री है उसको सरल और प्रभावी बनाया जाता है और सुनकर बच्चे जो है वो अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं जिसके अंतर्गत, वो क्या कहलाती है, श्रव्य साधन कहलाते हैं। अब श्रव्य साधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हमारा पहला है रेडियो। रेडियो में भी हम क्या करते हैं, विषय वस्तु को किसी भी प्रकरण के बारे में हम सुनते हैं और सुन के ही हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गया और टैप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, ये चारों ही जो है वो कैसे साधन है, श्रव्य साधन होते हैं। टैप रिकॉर्डर में भी क्या है, रिकॉर्डिंग होती है जिसे हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है दृश्य साधन। दृश्य साधन किसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दृश्य होता है। ठीक है, मतलब दिखाकर, कोई चित्र दिखाकर, रेखा चित्र दिखाकर या फिर शाम पट पर आप मतलब लिखते हो। ठीक है, जैसे संस्कृत शिक्षण में आप देख सकते हो कि शाम पट पर क्या है, कठिन शब्दार्थ लिख दिए गए या कोई और विषय वस्तु है जिसको प्रभावी बनाने के लिए आप प्राकृतिक रूप से कोई किसी डायग्राम बना रहे हो या कोई चित्र बना रहे हो, तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, दृश्य साधन। यानी कोई दृश्य दिखाकर आप अपनी विषय वस्तु को प्रभावी बनाते हो, उसकी जटिलता को और सरल बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो और बच्चे जो है वो विषय वस्तु को देखकर उसका अर्थ ग्रहण कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा दृश्य साधन होता है। ठीक है, अब दृश्य साधन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, श्याम पट, क्योंकि आप क्या करोगे, श्याम पट पर लिख के या डायग्राम या चित्र बनाकर, रेखा चित्र बनाकर समझा सकते हो, तो श्याम पट हो गया, चित्र हो गया, कोई चित्र दिखाकर आप अपनी विषय वस्तु को प्रभावी बना सकते हो,
रेखा चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट है, मूर्तियां है, प्रतिरूप है या स्लाइड्स, तो ये सब जो है वो क्या है, दृश्य, दृश्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी मूर्ति या किसी के प्रतिरूप को दिखाकर कि भाई बालक को कि ये सब क्या है, उसके बारे में फिर आप उसकी बारीकी से उसकी जानकारी देते हो, तो उससे क्या है आपका शिक्षण भी प्रभावी होता है और बालक उसकी ओर क्या होता है आकर्षित भी होता है, और बच्चा उस विषय वस्तु को जब देख के सीखता है तो ज्यादा प्रभावी शिक्षा हो पाता है। तो ये दृश्य साधन है। नेक्स्ट आ जाता है अपना श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन यानी कि दोनों का ही मिश्रित रूप है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि श्रव्य और दृश्य यानी कि इसके अंतर्गत विषय वस्तु को सुना भी जाता है, साथ ही साथ में बालक द्वारा देखा भी जाता है। मतलब आप अपने विषय वस्तु को प्रभावी करने के लिए उन साधनों का प्रयोग किया जाना जिससे आप बच्चे को अपनी विषय वस्तु को इस प्रकार से मतलब प्रेजेंट करोगे कि वो उस विषय वस्तु के बारे में क्या है सुन भी पाए और उसके बारे में जो चित्र है उससे देख भी पाए। तो देखकर और सुनकर जब बच्चा उस विषय वस्तु को ग्रहण करेगा तो वो अधिगम काफी प्रभावी रहेगा और बालक को विषय वस्तु सरलता से समझ आएगी और आप अपनी विषय वस्तु की जटिलता को पूरी तरीके से कम कर पाओगे। तो श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत जो साधन आते हैं वो क्या हो सकता है आपका, पहला है नाटक, चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो। नाटक आप कितनी विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए क्या है किसी नाटक के माध्यम से करोगे, तो नाटक में क्या है जो पात्र होंगे वो क्या है साथ में दिखाई भी देंगे और वो इस विषय वस्तु का क्या करेंगे उच्चारण भी करेंगे, मतलब वो सारी जो लाइंस है जो कंटेंट उनको याद भी रहेगा, ठीक है। तो जब वो इस विषय वस्तु को बोलेंगे भी और साथ साथ वो पात्र बनके जब उसका रोल करेंगे तो इस प्रकार से विषय वस्तु काफी प्रभावी हो जाएगी और बालकों को इजी समझ में आ सकेगा और तो और वो ज्ञान उनके दिमाग में इतना स्थायी हो जाएगा कि फिर उसे वो कभी भी याद रख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एक सुनी हुई और देखी हुई चीज ज्यादा प्रभावी होती है, इसलिए नाटक इसके अंतर्गत आता है। चलचित्र हो गया, टेलीविजन हो गया, अगर टेलीविजन में भी आप देखे तो कोई भी धारावाहिक देखे, कोई भी सीरियल देखते हैं हम, तो टेलीविजन में क्या होता है उसके अंतर्गत तो जिस जो स्टोरी बताई जा रही है उसे हम सुन भी पाते हैं और साथ ही साथ में उस किरदार को निभाने वाले व्यक्ति को भी हम सामने देख पाते हैं टेलीविजन में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जब हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा तो वो शिक्षण ज्यादा प्रभावी होगा। और वीडियो, इसके अंतर्गत वीडियो भी आता है। वीडियो में भी क्या देखते हैं हम, जब किसी चीज की वीडियो बनाई जाती है तो उसमें जो शिक्षण करा रहा है, जो बोल रहा है, वो हमें साथ साथ समझाने के साथ वो दिखता भी है और साथ साथ क्या होता है हम उसे देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। तो इसी प्रकार से देखकर और सुनकर दोनों ही कार्य इसके अंतर्गत आता है। मतलब विषय वस्तु को, चित्र को दिखाकर और बोलकर एक साथ में मतलब प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो कौन सा हो जाता है हमारे श्रव्य दृश्य साधन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य साधन, ये तीनों ही साधन जो है वो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।